दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आज अपने उफान पर है। साथियों, सबसे पहले भारत में वोटों की चोरी और ईवीएम का भंडाफोड़ करने का काम बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने किया था, लेकिन उनकी बातों को भारत में जो बहुजन मूल निवासी समाज के दूसरे नेता हैं, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम SC ST OBC के नेताओं का सूपड़ा साफ हो गया, तब बहुजन नायिका मायावती ने कहा था कि ईवीएम में घोटाला हुआ, इसलिए हमारा सत्यानाश हुआ। अखिलेश यादव बोला था कि ईवीएम में घोटाला हुआ, इसलिए हम बर्बाद हुए। उधर राहुल गांधी बोला कि ईवीएम में घोटाला हुआ और इसलिए हमारा सत्यानाश हुआ। साथियों, जब इन तमाम नेताओं को ये पता है कि ईवीएम के जरिए शासक पर वोटों की चोरी करके भारत की सत्ता और व्यवस्था पर काबिज है, तो इनके बयान देने से कुछ नहीं होता। आज बसपा सुप्रीमो भी अपने घर में दुबकी बैठी है और उधर अखिलेश यादव भी खामोश बैठा है, इधर राहुल गांधी भी अध्यक्ष पद छोड़ करके भाग गया है। अगर इस मुल्क में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अगर कोई सही योद्धा सही संगठन आज भी काम कर रहा है, वो भारत मुक्ति मोर्चा भामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी है, जो तमाम भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार आंदोलन छेड़े हुए है। साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरीके से वामन मेश्राम साहब ने बहुजनों को संगठित करके आंदोलन के लिए तैयार किया, आजादी के लिए तैयार किया, भारत के अंदर 30 करोड़ मुसलमान है, ये 30 करोड़ मुसलमान पूरी तरीके से बहुजन क्रांति मोर्चा बामसेफ के साथ खड़ा होगा और मनवादी ताकतों को इस देश से भगा करके छोड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे यह अपील करता हूं कि जो जहां है माननीय वामन मेश्राम जी के आंदोलन को पूरे तन मन धन से सपोर्ट करें। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।